अचानक का समय कैसे आ गया? गुरुदेव, मन बहुत दुखी है। मेरे एक बड़े करीबी मित्र का कोविड की वजह से निधन हो गया, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। किसी का असमय चला जाना बहुत दुखद, लेकिन इसके लिए हमें उनके परिवार का सिर्फ और सिर्फ हौसला बढ़ाना है। गुरुजी, उनकी फैमिली में सारे लोग डरे हुए हैं, इसके लिए इस डर को विश्वास में परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करेंगे विश्वास को? उसके लिए आपको ध्यान करना होगा, याद करना होगी वो मुश्किल घड़ी, वो विपत्ति जिससे आप निकले थे, उन दिनों को याद करना है कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड ने, पूरे यूनिवर्स ने आपको उस कैसे निकलने का रास्ता बताया, बस वही ध्यान करना है। अब आप लोग ऐसा कीजिए, अब अपनी आंखें बंद कर दीजिए और हम लोग ध्यान करते हैं, ठीक है? सब लोगों को कैसा लगा? मुझे बड़ी शांति महसूस हो रही है। हाँ, ठंडक ठंडक महसूस हो रही है मुझे अंदर की तरफ। अच्छा जी, हाँ, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा सारा भय पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गुरु जी, ध्यान करते समय मेरी नाभि से ऊर्जा का संचार हो। ये वही शक्ति है, इसको कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हमारी सांसें जाती हैं आती हैं, तो उससे हमारे मस्तिष्क में एक शांति पैदा होती है, हमारे विचारों में एक शांति होती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, इसलिए हमें ध्यान जरूर करना चाहिए। गुरुदेव, जब मैं सांस लेता हूँ तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे सांस नहीं आ रही, हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाए तो लगता है जैसे कोविड हो गया। गुरु जी, समझ में नहीं आ रहा, आप ही कोई उपाय बताएं कि हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें। इसके लिए आप सब लोगों को सिर्फ एक काम करना होगा, ओम का उच्चारण करना होगा 21 मरतबा, यानी 21 बार आपको ओम का उच्चारण करना होगा। ओम का उच्चारण से क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, उससे मजबूत होता है। पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ओम का उच्चारण इसीलिए करते थे, पूरे जगत के कल्याण के लिए, और केवल ये मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी सभी का इससे उपकार होता है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव उच्चारण करना है, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है जी? जी, जी, सब लोग आप लोग ओम का उच्चारण करेंगे और वातावरण को शुद्ध करेंगे। धन्यवाद।